मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मैं हिंदी शिक्षक अंजनी कुमार तिवारी BDS के एजुकेशनल इंस्टीट्यूट कदमपुर प्रतापगढ़ से इस वीडियो में कक्षा 9 के विद्यार्थियों को अर्थालंकार के भेद बताने चल रहा हूँ। पिछली वीडियो में मैंने अलंकार और शब्दालंकार के भेदों के बारे में बताया था, इस वीडियो में अर्थालंकार बहुत ध्यान समझेंगे। अलंकार बहुत ही महत्वपूर्ण प्रकरण है हिंदी व्याकरण का, और जितनी क्षमता हमारे पास है, जितनी प्रतिभा हमारे पास है, हम बेहतर ढंग से आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। अर्थालंकार, कविगण जब अर्थ के माध्यम से अपनी कविता की शोभा बढ़ाते हैं उसे अर्थालंकार कहते हैं, और कविगण जब शब्द के माध्यम से अपनी कविता की शोभा बढ़ाते हैं शब्दालंकार है। शब्दालंकार केवल 3 ही भेद होते हैं बस, अनुप्रास, यमक, श्लेष, लेकिन अर्थालंकार के कई भेद होते हैं। इसमें केवल 5 भेद दिया गया है, क्योंकि कक्षा 9 के पाठ्यक्रम में केवल 5 भेद ही निर्धारित है, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, मानवीकरण। अन्य भेद भी होते हैं, दृष्टांत, भ्रांतिमान, संदेह, पुनरुक्ति, अनन्य, प्रतीत, अन्य कई भेद होते हैं इसके, लेकिन हमें 5 भेद पढ़ना है। और जो कंपटीशन की परीक्षा की तैयारी करते हैं उनके लिए ये 5 भेद बहुत महत्वपूर्ण है। 3 भेद से और पूछे जाते हैं, दृष्टांत, संदेह, भ्रांतिमान, लेकिन मैं 5 भेद ही आपको बताने चल रहा हूँ। उपमा अलंकार, बहुत ध्यान समझेंगे, उपमा अलंकार जब किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान की तुलना रूप, गुण, धर्म, अवस्था आदि के आधार पर किसी दूसरे व्यक्ति, वस्तु, स्थान से की जाती है तो वहाँ उपमा अलंकार होता है। इसके 4 अंग होते हैं, उपमेय, उपमान, साधारण धर्म, वाचक शब्द। उपमेय क्या है? जिसकी तुलना की जाती है, जिस व्यक्ति, वस्तु, स्थान की तुलना की जाती है वो उपमेय है, और जिससे तुलना की जाती है रूप, गुण, धर्म के आधार पर जो अच्छा है उससे जो तुलना की जाती है वह क्या है? उपमान है। और उपमेय, उपमान की तुलना करने में जो जोड़ने का काम करता है वो है वाचक शब्द। और जो दोनों में, उपमेय, उपमान में साधारण धर्म है, दोनों में जो गुण है वो है साधारण धर्म। जैसे पीपर पात सरिस मन डोला, तो पीपर, पीपल के पत्ते के समान मन चंचल है, डोलता रहता है, स्थिर नहीं होता, तो पीपल का पात उपमेय है, उससे तुलना की गई है। नहीं, मन उपमेय है, मन से तुलना की गई है, और पीपल का पत्ता उपमान है क्योंकि उससे तुलना की गई है, और सरिस, सरिस वाचक शब्द है जो उपमेय, उपमान को जोड़ने का काम कर रहा है, और डोलना साधारण धर्म है जो गुण पीपल के पत्ते में भी है, मन में भी है। जैसे पीपल का पत्ता स्थिर नहीं होता, हिलता रहता है, वैसे मन हमारा स्थिर नहीं होता, चंचल रहता है, हिलता रहता है, चंचल है, हिलना मतलब। अगला है रूपक। रूपक में क्या है? जब उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो, उपमेय और उपमान में भेद ही न बताया जाए, उपमा में भेद बताया गया है और इसमें भेद नहीं बताया जाता है, वही रूपक अलंकार हो जाता है, वही उपमा रूपक हो जाती है जब भेद रहित आरोप कराया जाए उपमान का। चरण कमल बंदव हरि राई, कमल व चरणों की वंदना करता हूँ, कमल के समान कोमल चरणों की वंदना करता हूँ, अगर यही कहा जाए कि उनके चरण कमल के समान कोमल हैं तब तो फिर उपमा अलंकार हो जाएगा। चरण कमल में क्या है? रूपक अलंकार। कमल उपमान है और चरण उपमेय है। उपमेय में उपमान का जब भेद रहित आरोप हो तो वहां रूपक अलंकार होता है। अगला ध्यान देंगे उत्प्रेक्षा। उत्प्रेक्षा में क्या है? उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाए, ध्यान देंगे, उपमेय में उपमान की संभावना, और उसमें जन जानो, मन मानो या जनह मनह आदि वाचक शब्द लगे रहते हैं। जैसे जब काल मारे क्रोध से तन कांपने उसका लगा, तन उसका जब कांपने लगा क्रोध के कारण, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा, ऐसे लगा कि मानो सोता हुआ सागर हवा के वेग से जग गया है, जैसे हवा के वेग से समुद्र क्षुब्ध हो जाता है वैसे हो गया है, उसमें संभावना व्यक्त की गई है उपमेय में उपमान की। अतिशयोक्ति अलंकार, इतना बढ़ा चढ़ा के वर्णन किया जाए कि सामान्य अर्थ में उसका होना संभव नहीं है। हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, और सारी लंका जल गई, गए निशाचर भाग, मानो बताइए पूंछ में आग न लगे लंका जल जाएगी, संभव नहीं है, तो क्या है? अतिशयोक्ति अलंकार। और मानवीकरण अलंकार, जब प्रकृति को मनुष्य बताया जाए तब वहां मानवीकरण अलंकार होता है। जैसे मेघ आए बड़े बंठन के समर के, बादल मेहमान की तरह, इस वर्षा ऋतु में बादल मेहमान की तरह बंठन के समर के आते हैं, जैसे दामाद मेहमान जी आते हैं सब खुश हो जाते हैं गांव में, वैसे ही आकाश में बादल दिखाई देते हैं सब खुश हो जाते हैं, तो बादल मनुष्य के रूप में बताया गया है, दामाद के रूप में बताया गया है, इसलिए वहां मानवीकरण अलंकार है। हम समझते हैं आप
अर्थालंकार में जो कक्षा 9 के पाठ्यक्रम में निर्धारित भेद है इसको समझ गए होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।